हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेगूसराय मोटो ब्लॉग्स। और मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक कुमार। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैं बेगूसराय से सहरसा राइडिंग करना शुरू किया था, जो कि मैं खगड़िया के रूट से चला था। और अभी मैं सहरसा से बेगूसराय जो राइडिंग करूँगा वो रोसरा के तरफ से हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो भी व्यूअर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर करें। और मेरा एक नया चैनल है आर्य मोटो ब्लॉग्स 2.0, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। तो चलिए, और आप लोग को डिफरेंस पता चल जाएगा। जब हम लोग सुबह बेगूसराय टू सहरसा आए थे तो उस रास्ते से जो आए थे उसका, और अभी हम लोग जो रोसरा के रास्ते से चल रहे हैं उसमें। तो चलिए, वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, अभी हम लोग सहरसा से बेगूसराय के लिए निकल रहे हैं। और जैसा कि अभी हमें बताया कि जो हमने बेगूसराय से सहरसा का राइडिंग किया था वो खगड़िया के रास्ते आया था, और अभी जो हम लोग सहरसा से बेगूसराय चल रहे हैं ये हम लोग रोसरा के रास्ते चलेंगे। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि आप लोगों को कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए। हालांकि जो मैं बेगूसराय टू सहरसा राइडिंग किया था उसमें हमें बहुत परेशानियां आई थी, तो मैं यही कहूंगा कि अगर उधर से आप लोग आते हैं तो एनएच से ही आने का कोशिश करें। और अभी तो रोसरा की तरफ चलते हैं और फिर उधर का रास्ता देखते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों। चलिए, अभी मैं सहरसा में ही हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों। तो अभी देख रहे हैं दोस्तों आप लोग कि अभी मैं सहरसा में हूँ और ये मेरा दूसरा रोड है। मैं सुबह में जिस रोड से आया था वो नहीं है। तो ये पता नहीं, अभी हम लोग तो इस रोड से भी कभी आए और नहीं गए हैं, तो ये हम मैप के थ्रू चल रहे हैं। तो मैप में आगे हमें दिखा था, जैसे मैंने सुबह में देख लिया था, ये मैंने ध्यान नहीं दिया कि खगड़िया के बाद हमें NH31 लेना है कि क्या लेना है। शॉर्टकट के चक्कर में हमें बहुत लंबा दूरी तय करना पड़ गया था। तो इस बार मैं मैप पर NH31 को देखते हुए निकल रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिएगा हम लोगों से। अभी हम लोग मैप पे पहले ही अच्छे से देख लिया कि NH31 के थ्रू ही हम लोग चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। और शाम का समय तो धूप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। तो चलिए, आगे वीडियो के साथ बने रहिएगा। और हमारे जो भी नए व्यूअर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारा एक नया चैनल है आर्य मोटो ब्लॉग्स 2.0, तो उसे भी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें दोस्तों। अभी मैं सहरसा में ही हूँ और ये बलुआहा समस्तीपुर में बाज़ार है, ये बलुआहा मार्केट है। और मेरे अनुभव से अभी तक जो मैं बेगूसराय टू सहरसा राइडिंग किया था उससे काफ़ी अच्छा रोड हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अभी मैंने अपना रोड चेंज कर दिया है। अभी हम लोग सहरसा से रोसरा से बेगूसराय, मतलब ये रूट होते हुए चलेंगे। और आगे देख रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है पटना 170 किलोमीटर और हाजीपुर, दरभंगा, मधुबनी, ये सारे यहाँ पे बोर्ड लगा है। और इसी पुल से होकर हम लोग अभी चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोड काफी अच्छा है, और ये पुल शायद कोसी का हमें लग रहा है। यहाँ से नदी जो बहती है वो नदी को पार करके हमें जाना पड़ेगा। नहीं, ये रोड वाकई अच्छा है। तो चलिए, थोड़ा टॉप स्पीड में चलते हैं इस पे और देखते हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों। काफी अच्छा रोड है, और ये जो है कोसी नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ है। ये मेरे गाड़ी में रेड सिग्नल मिल चुका है स्पीड का, फिर भी हम लोग स्पीड चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये अब हमारा पुल समाप्त हो गया है, और इसी तरह का रोड मिलता रहे तो हम लोग काफी जल्दी पहुंच जाएंगे बेगूसराय, क्योंकि सुबह आते समय बहुत टाइम लग गया है दोस्तों। अब थोड़ा मैं थक गया हूँ दोस्तों, मैं अपने दोस्त विक्की को बाइक राइडिंग करने के लिए दूंगा, क्योंकि आज का सफर काफी लंबा हो गया है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी का रोड उधर के अपेक्षा में, इधर उससे अच्छा रोड है। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेरा एक और चैनल है आर्य मोटो ब्लॉग्स 2.0, तो उसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।
तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मैं सहरसा से जो रिटर्न आया था, अभी वही एक पुल है और अभी शाम का 5:30 बज रहा है। तो तकरीबन हमें लगभग 6:30 बज जाएगा बेगूसराय पहुँचते पहुँचते। तो दोस्तों आपको तो दिख रहा होगा अच्छे से, अभी पुल पर हूँ। और यहाँ से बेगूसराय कितना किलोमीटर है वो मैं आपको एक बार बता रहा हूँ जी, 47 किलोमीटर और चलना है। मेला का समय है दोस्तों, अभी मैं हसनपुर पहुंच गया हूँ। ये हसनपुर जो है, ये हसनपुर का पुल है। अभी दोस्तों हम लोग हसनपुर में हैं और शाम का अभी 5:30 बज रहा है और लगभग देख सकते हैं हमें अभी 1.5 घंटा के आसपास या मैक्सिमम 1.5 घंटा लग सकता है हम लोगों को बेगूसराय पहुंचने में, क्योंकि शाम का समय है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा जो सबसे बड़ी बात है, मैं अपने बाइक का जो वाइट हेलमेट था, ट्रांसपेरेंट हेलमेट, वो भूल चुका था सुबह। और मेरे पास बाइक जो मेरा हेलमेट है उसमें ब्लैक ग्लास लगा हुआ है, जिसके कारण हेलमेट खोल के अभी हम बाइक को राइडिंग कर रहे हैं। और शाम का समय है तो कीड़ा वगैरह बहुत सारा उड़ रहा है। काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है अभी। तो फाइनली अभी मैं हसनपुर पहुंचा हूं और 5:37 टाइम हो रहा है और हसनपुर के मैं बीरपुर में हूं। तो थोड़ा सा ये गांव वाला रोड आ गया है और अपने स्पीड में बाधा डाल दिया है। तो अभी मैं इमली चौक पे हूं। हमारे बिहार में अजीब अजीब चौक है, ये इमली चौक है दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं अभी काफ़ी अंधेरा हो गया और 44 किलोमीटर हमें और तय करना है। तो मे बी रात का वीडियो हम लोग नहीं शूट कर पाए,